हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज रिपोर्टर। आज हम बात करने वाले हैं थॉर के नए वेपन जेमजोर की ऑफिशियल कंफर्मेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में इन्फिनिटी वॉर के बहुत सारे मर्चेंडाइज और टॉयज़ रिलीज हो रहे हैं। उनमें से एक नया टॉयज़ आया है, उसकी लीक फोटो आई है, जिसने ये रिवील किया है कि थॉर के पास एक नया वेपन होगा जो कि है जेमजोन, और वो कंफर्म्ड हो गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं थोर के प्रीसियस आयनिक वेपन मजोलनी के बारे में, जिसको हेला ने टाइका वेटिट्स की थोर रेग्नारोक फिल्म में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस फिल्म के बाद कुछ कॉमिक बुक फैंस की थ्योरी थी कि थोर को नॉर्स गॉड द्वारा वापस बनाया जाएगा, पर वो थ्योरी गलत हो गई जब एंथनी और जो रूसो का एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का फर्स्ट ट्रेलर आया था। और उस ट्रेलर में ये रिवील हुआ था कि जो थोर होगा वो अपने नए वेपन को बनाएगा। और उसके बाद कुछ की आर्ट कंसेप्ट भी आए थे, जिसमें थोर एक एक्स जैसा यानी कुल्हाड़ी जैसा वेपन कैरी कर रहा है उसके साथ। और फिर मार्वल का एक टीजर भी आया था, जिसमें हमें ये पता चला था कि एवेंजर्स 3 में भी थोर अपना वेपन बनाएगा ग्रूट और रॉकेट के साथ। और कुछ दिनों पहले कुछ लीक्ड लिगो टॉयज की फोटोज आई थी, जिसमें हमें हिंट मिला था थोर के एक्स यानी कुल्हाड़ी के बारे में। और अब एक और लीक थोर की फोटो आ गई है, जिससे हमें पता चलता है थोर के नए वेपन के बारे में और उसके दिखने के बारे में कि वो कैसा होगा। तो ये जो थोर का नया वेपन है, ये मजोलिन का अल्टीमेट वर्जन लगता है। और इस फोटो के हिसाब से यह वेपन आधा हैमर और आधा एक्स जैसा दिखता है। मीन्स दिखने में इसकी जो बार बार का शेप है और उसके डिजाइन है वो मजोलनी जैसे ही है, और ये एक एक्स के जैसा हथियार है। मतलब एक तरफ कुल्हाड़ी जैसे और एक तरफ हथौड़ी जैसे, और ये कंफर्म है। और ये जो मर्चेंडाइज है ये डिज्नी का है, तो ये ऑफिशियली कंफर्म मान सकते हैं हम कि ये थोर के पास इन्फिनिटी वॉर में यही वेपन होगा। और थैंक यू गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप नए से नए अपडेट जान सकते हैं।